हेलो एवरीवन, दिस इज़ निशा। वेलकम टू माय चैनल होम किड्स एंड मोर। तो 4 जनवरी है आज, और यहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा स्नो की वजह से स्कूल वालों ने अनाउंस किया कि स्कूल आज बंद रहेगा और बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे, विच मींस ई लर्निंग। यहाँ पे ई लर्निंग अनाउंस हो गया था ऑलमोस्ट पूरी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स का। तो इस वक्त 7:45 है और उठते ही हमें मैसेजेस आ गए थे कि बच्चों की स्कूल जो है आज स्विच होंगी ई लर्निंग पे। और ये स्कूल से आईपैड मिला हुआ है देवांश को, और मैंने देखा, चेक किया इमीडिएटली, तो इस पे इस तरीके की एक्टिविटीज़ अपलोड हो गई थी विच ही हैज़ टू डू थ्रू आउट द डे। तो देवांश की बस एक्टिविटीज़ आई थी, देवर नो गूगल मीटिंग्स, किसी तरह की ऑनलाइन फेस टू फेस मीटिंग नहीं होनी थी, बस इन पे जो एक्टिविटीज़ आई थी यही एक्टिविटीज़ करनी थी। और ये मैं आपको बता दूं, जो इंग्लिश लैंग्वेज आप देख रहे हैं ये रेगुलरली होता है, सोशल स्टडीज़ भी रेगुलरली होता है, विजुअल आर्ट्स भी, उसके अलावा हेल्थ, पीई, साइंस और मैथ्स और जिम, इन सब की डेली स्पेशल क्लास लगती है, यानी कि एक दिन एक सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है। एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 7:20। मैं थोड़ा सा योगा और थोड़ी सी बॉडी स्ट्रेचेस करके आ गई हूँ वापस से किचन में। रात को थोड़े से चने मैंने सूख किए थे जिसे मैं लंच पे बनाने वाली हूँ, बिकॉज वेदर अच्छा नहीं है, हस्बैंड इज़ ऑल्सो गोइंग टू स्टे होम, तो इसकी मैं ग्रेवी बनाने वाली हूँ। नमक थोड़ा सा ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा पानी बढ़ा दिया है मैंने, और ये चला जाएगा हमारा गैस के ऊपर अराउंड 5 to 6 विसल्स के लिए। और इसी के साथ मैंने मूंग दाल सोक किए थे, उसको मैं स्प्राउट करने के लिए रखने वाली हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई मेक द स्प्राउट्स। रात को सोक किए थे, हालांकि थोड़े बहुत अंकुर आ गए हैं इसमें, बट इसको डार्क प्लेस पे रख दूँगी तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो यहाँ नीचे एक छलनी ले ली है, उसके ऊपर एक किचन टॉवल रख दिया है, और हमारे जितने बीन्स थे मूंग दाल बीन्स, उसको मैंने उसमें ऐड कर दिया। पानी नीचे छन गया है, इसको फेंक दूंगी मैं, और इसे चारों तरफ से ढक के ओवन की लाइट को चालू करके उसमें रख दूंगी, बाकी चलाना नहीं है, ठंड का सीज़न है तो ओवन में रखना ज़रूरी है। एंड उसके बाद 5 से 6 घंटे में बहुत अच्छे अंकुर निकल के आए। और आजकल करीबन 1.5 महीने से मैं वार्म वाटर इंक्लूड कर रही हूँ मॉर्निंग में, तो वार्म वाटर लिया है मैंने यहाँ पे हनी के साथ में, कभी कभी लेमन भी ऐड कर देती हूँ। और ये अब बनाने जा रही हूँ मैं एप्पल वॉफल्स फॉर किड्स, जिसके लिए मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया है, और नॉर्मली ये देखा जाए तो 1/3 कप के लगभग है, और यहाँ पे थोड़ा सा सिनेमन पाउडर ऐड कर रही हूँ, यानी कि दालचीनी का पाउडर, जिसको मैंने घर पे ही पीस के रखा है। तो ये अराउंड 1/2 टीस्पून गया इसमें, और इसको एक अच्छा मिक्स दूंगी। वैसे इसमें बेकिंग सोडा डालना चाहिए, बट मैंने बेकिंग सोडा नहीं ऐड किया, मैंने यहाँ पे इनो लिया है फ्रूट सॉल्ट। अगर आप इनो नहीं ऐड करना चाहते हैं तो इसी वक्त इसमें 1/8 टीस्पून के लगभग बेकिंग सोडा एंड 1/4 टीस्पून के लगभग बेकिंग पाउडर ऐड कर दें, और मिक्स करके साइड रख देंगे। मैं इनो ऐड करने वाली हूँ, तो इसे सबसे लास्ट में ऐड करूँगी अपना बैटर मिक्स करने के बाद। अब मैंने यहाँ पे एप्पल सॉस का एक इस तरीके का डब्बा आता है बच्चों के स्नैकिंग के लिए, तो वही एक डब्बा मैंने ऐड कर दिया है इसमें, और इसके साथ ही 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा दही ऐड कर दिया है। फ्रेश दही हो तो अच्छा है, वरना खट्टा दही टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसको अच्छा मिक्स देने के बाद मैंने इसमें तेल ऐड कर दिया, एंड दिस शुड बी अराउंड 1.5 टीस्पून। तो 1.5 चम्मच के लगभग तेल ऐड करने के बाद इसे फिर से अच्छा मिक्स देंगे, और हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर ऐड किया है, जो कि लगभग 3 टेबलस्पून था, और इसको भी चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स किया मैंने, और थोड़ा सा पानी ऐड किया। आप चाहो तो दूध ऐड कर सकते हो। और इन सब के बाद बैचेस में मैंने आटा ऐड करके मिक्स कर लिया अच्छे से, और मिक्स होते ही यहाँ पे लगभग 1/2 टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट का ऐड करके अच्छा मिक्स दिया, और इतना मिक्स करना है कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और बहुत ज़्यादा आपको नहीं फेंटना है कि इसका ग्लूटेन डेवलप हो जाए और फिर ये चूई बन जाए। मिक्स एंड फोल्ड मेथड से इसी तरीके से आपको
मिक्स करना है। मेरा बैटर मुझे लगा थोड़ा सा रनी साइड में था, थोड़ा और थिक होता तो शायद वॉफल्स और क्रिस्पी बनते। एनीवेज यहाँ पे मैंने अपने वॉफल मेकर को अच्छे से प्री हीट कर लिया और उसकी दोनों साइड्स पे ऑयल स्प्रेड कर दिया एंड देन अपना जो बैटर बनाया था 2 टेबलस्पून के लगभग इस पर ऐड कर दिया एंड देन ढक कर मैं इसे कम से कम 6 मिनट पकाऊंगी। जनरली 4 to 5 मिनट्स में एक वॉफल होता है, क्योंकि मेरा बैटर रनी था थोड़ा सा, तो मुझे इसे 6 मिनट्स कम्प्लीटली पकाना पड़ा। और ये है हमारा फर्स्ट वॉफल जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट था क्योंकि इसे मैंने 4 मिनट्स ही कुक किया था, और इसके बाद जितने भी मैंने बनाए वो सारों को मैंने 6 मिनट टाइम तक कुक किया है। तो बहुत अच्छे बन के आए थे, टेस्ट ओवरऑल बहुत अच्छा था। एप्पल सॉस एंड सिनेमन दे वर परफेक्ट। एक बच गया था, मैंने भी ट्राई किया, बहुत परफेक्ट टेस्ट था इसका। एंड यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है हस्बैंड और मेरा ब्रेकफास्ट की, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय विद पराठा, साथ में थोड़ा सा अचार भी चला जाएगा। तो एक तरफ आप देख सकते हैं चाय का पैन रखा हुआ है, चाय पक रही है और साथ में जाएंगे पराठे। टेल मी हाउ इज इट देवांश, एप्पल टेस्ट इज देयर? यस। समर्थ कैसा है बाबू? यम्मी। बाहर देखो। और सुबह उठ के जब हमने बाहर का व्यू देखा तो इट वॉज़ लाइक एवरीथिंग वाइट, इवन ये प्लांट्स के ऊपर सारा कुछ वाइट वाइट हो गया था, बहुत मेस्मराइजिंग लग रहा था। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही ख्याल आया, दिवांश का ई लर्निंग तो है ही, साथ में मैं क्यों ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कराऊं दिवांश की जिससे उससे उसका स्नो में खेलना हो जाए। और मेरा भी बहुत दिनों से मन था, इनफैक्ट 4 साल हो गए मुझे यहाँ रहते, 4 सालों में एक भी बार नहीं हो पाया। एंड इस बार समहाउ मैंने एक दृढ़ निश्चय बनाया कि मुझे जाके इस बार साड़ी में फ़ोटोशूट करानी है स्नो में, एंड आई डिड इट। आगे आपको मैं शेयर ज़रूर करूँगी, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और ये देखिए एक कार है जो कि फंसी हुई है, कांट इवन मूव इन द स्नो। और ये क्लिप है मंडे का, तो मंडे को ये कार बिल्कुल भी मूव नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा इसको कैप्चर कर लूँ, आपको भी देखने को मिलेगा कि स्नो में कितनी स्ट्रगल होती है। ये बंदा यहाँ खड़ा था और करते करते क्रॉस में व्हील आई है, बहुत कोशिश की इसने, समहाउ शावल वगैरह लेके स्नो हटाया तब जाके निकल पाया। और मेरा नहाना और पूजा वगैरह हो गया, तो मैं अब अपना नाश्ता लेने आई हूँ। आई नो दैट्स अ लॉट ऑफ टी, बट पता नहीं क्यों, आई मीन शादी के बाद से आदत हो गई है इतनी क्वांटिटी में चाय पीना। आई डोंट नो, लाइक पहले नहीं था शादी से पहले, बट शादी के बाद ये इतना ज़्यादा चाय पीना हो गया। इनफैक्ट यहाँ पे यूएस से आने के बाद दोनों टाइम चाय पीने की जो है आदत बन गई है, एंड इट हैज़ बिकम सो एडिक्टिव कि मैं चाय छोड़ नहीं पा रही हूँ। मैं किसी टाइम छोड़ने की कोशिश भी करती हूँ तो आई हैव अ वेरी बैड हेडेक थ्रू आउट डे। तो ये देखिए मैं नाश्ता करते करते दिवांश को मॉनिटर कर रही हूँ कि वो अपनी एक्टिविटीज़ ठीक से कर रहा है कि नहीं, हालांकि ये इस ईयर का पहला ई लर्निंग डे था। एंड इट्स अराउंड 10:30 नाउ, और को सिस्टर से बात करते करते मैंने अपने चना मसाला भी तैयार कर लिए, अब ये बस उबलना बाकी रह गया है, वेरी सिंपल। पर पहले किसी वीडियो में मैंने जैसे छोले की रेसिपी शेयर की थी विदाउट एनी ग्राइंडिंग एंड ऑल, तो उसी तरीके से बनाया है मैंने। मेरे पास थोड़ा सा समय था, बच्चों को नहलाने में अभी टाइम था क्योंकि कोई रेडी नहीं हो रहा था नहाने के लिए, तो मैंने सोचा तब तक मैं थोड़ी सी अपने बुक्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ जिसको मैंने अपलोड करना है अपने स्टोरी टाइम विद निशा वाले चैनल पे। इन केस आप नहीं जानते हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ चेकआउट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज मैंने रीडिंग करी है उस पर। एंड बुक्स रिकॉर्ड करने के बाद हियर्स व्हाट आर लंच लुक्स लाइक टुडे, बच्चों को नहलाने के बाद फटाफट से उनको लंच सर्व। और ये ना लास्ट वीक ही एक्सफिनिटी के थ्रू हमें कुछ रिवॉर्ड्स मिले थे थ्रू विच वी कुड ऑर्डर समथिंग एज रिवॉर्ड अपने लिए। तो हस्बैंड ने मुझे बिना बताए ये कुकी का कटर ऑर्डर किया था जो कि 3D कटर है, इसके साथ में ये शुगर स्प्रिंकल्स आए हैं और जो कैंडी केन्स होती हैं उसी का क्रश है एक्चुअली ये, और ये जो कुकी कटर्स हैं
दीज आर 3D कुकी कटर्स, दैट्स वॉट इट सेज. तो शेप वाइज अगर मैं बात करूँ तो ये है क्रिसमस ट्री, एक क्रिसमस ट्री बनेगा और एक जो है स्नोमैन शेप में है. तो बेसिकली दोनों शेप की कुकीज़ को कट करके आप बेक करें और फिर उसके बाद एक के ऊपर एक स्टैक करें तो ये खड़ा हो जाएगा इसी तरीके से. तो कभी मैं बनाऊंगी तो ज़रूर आपसे इसकी आउटकम शेयर करूंगी. फिलहाल किचन क्लीनिंग वगैरह हो गई है. आज बाहर का वेदर काफ़ी स्नोई था तो सोचा चल के थोड़ी सी साड़ी में फ़ोटोशूट करते हैं. और मैंने साड़ी पहनी है, आगे चल के आपको ब्लॉग्स में फ़ोटोज़ में ऐड कर दूँगी, वीडियोज़ या फ़ोटोज़ देखते हैं. एक दो फ्रेंड्स और बुलाए हैं मैंने अपार्टमेंट से और मेरे साथ में मेरे साथ में देवांश है और समर्थ सो रहा है, समर्थ को घर पे छोड़ा हुआ है मैंने. और ये अपार्टमेंट की फ्रेंड के ही एक 10-year-old बेटे हैं तो उनके साथ में मिलके देवांश ने स्नोमैन बनाया. ऑलरेडी बना पड़ा था एक्चुअली स्नोमैन, जिसको इन लोगों ने खेल खेल में गिरा दिया था. बाद में इसको फिर से रिपेयर कर रहे हैं दोनों मिलके. एंड हियर इज अ पिक ऑफ माइन एंड माय एल्डर सन देवांश. आप में से जो इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं इस चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं USA में रहती हूँ, मिनेसोटा राज्य में, हस्बैंड एंड फैमिली के साथ में. और मेरे इस चैनल पे आपको बहुत सारी कुकिंग वीडियोस, लाइफस्टाइल एज वेल एज़ DIYs, बच्चों की लंच बॉक्स रेसिपीज़ एज वेल एज़ मेरे यहाँ रहने के दौरान जो भी प्लेसेस मैं विज़िट करती हूँ उन्हें कोशिश करती हूँ फिल्म करने की और उनकी जानकारी आप तक पहुँचाने की. तो ये सारे कंटेंट मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे. अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें. और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, जो प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद. तो ये क्लिप मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये वीडियो है थर्सडे का, यानी कि 5 January का. देखिए मैस होने के बाद किस तरीके की दिक्कत होती है स्नो के बाद. लोग आते हैं इस तरीके से स्नो वगैरह क्लीन करते हैं, कहते हैं ना तो दूर के ढोल सुहावने होते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ देयर एग्जांपल्स कि दूर से लोग जो देखते हैं स्नो वाव वाव करते हैं, बट यहाँ रहने के दौरान कितनी स्ट्रगल होती है वो तो खैर रहने वाले ही जानते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्लीनिंग द स्नो. कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे रेजिडेंशियल्स नहीं होते हैं तो वहाँ पे कोई क्लीनिंग ही नहीं होती है और उस दौरान रोड्स जो हैं बहुत ही स्लिपरी हो जाते हैं और उसमें चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. प्रॉपर स्लिपरी आइस बन जाते हैं वो. सो दिस वॉज इट फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक इट. और किसी भी तरीके के सजेशंस वेलकम हैं, प्लीज़ मुझे इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशंस बन पड़ते हैं ज़रूर दीजिएगा. वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद.